तो गाइस वेलकम टू योर चैनल। आई होप आप सब फिट होंगे। तो आप सबको अनिज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई सुबह के अभी बज रहे हैं 9। तो हम आए थे यहाँ बाहर, छोटा सा खोखा है किस्म का, मतलब छोटी सी दुकान चाय की, बाकी तो पीछे पार्किंग है, पास पे गाड़ी हैं। तो अभी आ गई है लेबर, तो कह रहे थे आप चाय पी के उसके बाद अपनी गाड़ी आप तिरपाल वगैरह खोल दो तो अनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट। तो आज भाई क्या हो गया कि हमने रोज़ रात को खाना बनाते थे जो हम सुबह के रखते थे, फिर आपको आपको पता कि पिछले ब्लॉग में मैंने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप ब्लॉग देख लेना। तो वहाँ पे हमने ऐसा किया कि और भी ड्राइवर भाई थे तो हम 3-4 लोगों ने खाना खाया। तो अभी दिन को खाना नया हम बनाएंगे वापस से, क्योंकि सब्ज़ी भी ख़त्म होगी, खाना भी ख़त्म हो गया। तो हैं तो बस जी भाई भी यहाँ पे अपना ब्लॉग शूट करने लगे, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, सुबह सुबह का बहुत ज़्यादा प्यारा था, क्योंकि गर्मी में रहती है। तो पीते हैं चाय अभी। ऐसा कुछ नज़ारा है भाई यहाँ का, यहाँ पे हम हैं अभी, ये एक ना रास्ता चला गया गाँव को, पर रेत ही है यहाँ पे, तो गाड़ी लाना मुश्किल है। यहाँ पे ट्रैक्टर या जेसीबी वगैरह या छोटी गाड़ी जा सकती है, तो ट्रक लोड तो फंसने का खतरा रहता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक नाली पड़ गई, वहाँ पे गाड़ी कुछ फंसी थी पहले, अब पता नहीं भाई कौन सी है। बस आपको सूखा सूखा ही सब मिलेगा यहाँ पे देखने को। तो वो अपनी पार्किंग यहाँ पे आ गया, आर्मी का कुछ है बिल्डिंग्स वगैरह। तो यहाँ पे जो मेन रोड है वहाँ पे ना, ये लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे बाहर मेन रोड है, वहाँ पे आर्मी कैंट है। जो रोड आ गई ना बाड़मेर जैसलमेर, तो लोखंडवाला आगे जाने वाली, तो जो लोखंडवाला मूवी बनी थी ना बॉर्डर मूवी, तो वहाँ की है। ऐसे ऐसे पेड़ हैं यहाँ पे, अजीब और गरीब पेड़ यार, छोटे छोटे आपको यही मिलेंगे, बाकी तो बिल्कुल खाली खाली सही मिलेगा। तो बस भाई यार अब टाइम ही ऐसा हो गया, इतना टाइम लग गया, 1.5-2 मंथ हो गए, अपने जम्मू को मिस कर रहे हैं, अपने घर को भी मिस कर रहा हूँ भाई। मतलब 40 दिन हो गए घर से निकले हुए आज अपन को। घर वाले भी, दादी भी कह रहे थे अनु जल्दी आ जा, क्योंकि ना आपको तो मम्मी पापा भाई ना फीलिंग समझ सकते हैं, ऐसा रहता है। दादी अब एज्ड हैं तो उनको लगता है काफ़ी टाइम, उनको तो 30 दिन भी काफ़ी लंबे लगते होंगे, तो कह रहे थे अनु जा जा बड़े काफ़ी दिन से तो आया नहीं। तो यार हम मतलब मैं नहीं सोचा था कि वो परेशान हो, क्योंकि एज्ड भी हैं तो टेंशन लेते रहते हैं। तो मैं उनको कहता नहीं कि मैं राजस्थान हूँ दूर, मैं उनको कहता हूँ मैं जम्मू हूँ, जम्मू ही काम कर रहा हूँ। तो क्योंकि उनकी मतलब वो अब एज है, भूल जाते हैं कि क्या काम करते हैं, तो उनकी जहाँ वो सोचते हैं पढ़ रहा है जैसा कुछ भी है, तो मैं उनको कहता हूँ मैं जम्मू ही हूँ, पास में हूँ, मौसम बढ़िया है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, खाना वगैरह खा रहा हूँ टाइम से, मैं आ जाऊँगा। तो बस तभी है खुद का, जब ऐसे कोई बात करें तब दादी जैसे मिस करें तो थोड़ा खुद का भी दिल करता है जाने का। तो बस थोड़े दिन रह गए फिर जाएंगे घर को, चाय वगैरह पी लिया है, अपना करते हैं काम स्टार्ट, चल के अंदर। भाई बहुत गर्मी थी तो 12 बज गए भाई अपना, तो ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी, कुछ भी नहीं किया, तो आया यार तो कुछ ना कुछ तो बनाते हैं, देख रहा हूँ पीले चावल बना लेते हैं, बाहर से दही ले आएंगे तो वो खा लेंगे, उसके बाद फिर रात को ही देखेंगे। आई होप आज तक आज अनलोड हो जाए गाड़ी, तो फिर कल यहाँ से भरेंगे अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद भाई चतराल, तो वहाँ से वापस मैंने वापस सिर्फ गाड़ी पहुंचानी है राजस्थान वहाँ पे ही, तो वहाँ से भी चले जाना यार। देखते हैं खाना बना लेते हैं पहले यार, बड़ी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। आलू चावल मतलब ना आलू चावल और प्याज वगैरह मिक्स करके उसको हम बोलते हैं पीले चावल, ऐसे कहीं लोग उसको पुलाव भी बोलते हैं, और कुछ कहते हैं सुनो भैया, तो वही बना रहे हैं, मतलब मिक्स ही हो जाएगा, जैसे बिरयानी होती है ना चिकन बिरयानी, ये आलू बिरयानी है, आलू बिरयानी। तो भाई बस अब मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा ये उबल जाए इसको बंद करके, तब तक तो चावल ठंडे हो जाएंगे, तो मैं बाग बाग के जाऊँगा बाहर, बाहर से ले आऊँगा दही, क्योंकि भूख काफ़ी लग रही है, तेल भी ख़त्म हो गया अपना, ये भी लाना आज। तो बाकी देखो भाई हम ना, आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि भाई कचरा मत फेंको बाहर, क्योंकि कई बार ट्रक वाले भाई हैं जो या कोई भी पैसेंजर गाड़ी घूमने जाते हैं तो कचरा बाहर फेंकते, हमने देखो एक लिफाफा रखा हुआ है, हम इस पर डालते जाते हैं, तो अभी रात वाला सारा वेस्ट था, फिर मैंने बाहर डस्टबिन में डाल दिया, अभी इस पर आज का इकट्ठा कर रहा हूँ, शाम को इसको क्लोज करके फेंक दो, क्योंकि सामान लाते लिफाफे जो बचते हैं उसको मैं रख देता हूँ, तो ऐसे कचरा डालने के लिए कभी कुछ सामान हो, यहाँ पे बाहर साफ़ सफाई रखनी चाहिए थोड़ी। तो अभी तो लेबर वाले भी खाना खाने चले गए, गाड़ी अनलोड नहीं हो रही है, मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी जल्दी अपने चावल बन जाएँ। तो अभी देखो पूरे गाड़ी पर गंद पड़ रखा है, ये नींबू पड़े हैं अपने, नींबू तो खाएँगे, ये देखो जैसे लिफाफा बचा हुआ है मेरे पास, तो इसको मैं सेफ रख लूँगा, ये भी कहीं काम ही देगा। चावल तो भाई अपने बन गए, अब जा रहा हूँ बाहर, धूप बहुत लग रही है यार, बहुत धूप पड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना दिन को इतनी गर्मी इसलिए होती है क्योंकि नीचे रेत है, धूप जब रेत पे पड़ती है ना तो रेत भी पूरा गर्म होता है। तो ले आता हूँ बाहर से दही, फिर चलेंगे वापस से गाड़ी पे। ब्लॉग में आपको मैंने ये वाली जगह दिखाई थी कल भाई, मुझे यहाँ पे ना हिरन मिले थे, थोड़े दूर थे वो, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा बहुत तक चले गए आगे, क्योंकि यहाँ पे आर्मी वाले भी होते हैं ना,
ऐसा कुछ नज़ारा है। ये रोड है बिल्कुल एक जो फैक्ट्री की तरफ जाता है। यहाँ पे कोई दुकान नहीं, आपको एक चाय वाली दुकान मिलेगी चाचू की। तो ऐसे कुछ यहाँ पे पेड़ हैं, गांव में लगता है यहाँ पे है आगे छोटा सा। ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे कुछ, एक पर गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं। तो इसके सामने वो यहाँ पे बाइक जा रही है, उसके सामने यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, तो वो रोड है वहाँ से मेन। उसके उस साइड वही सिर्फ आर्मी है, आर्मी कैंट है। तो यहाँ पे मैं आपको कल भी बता रहा था पिछले ब्लॉग में, यहाँ पे ना ईंट यूज़ नहीं होती इतनी, यहाँ पे ऐसे वाले पत्थर, क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत निकलता है ग्रेनाइट। तो यहाँ से आपको पता राजस्थान से मार्बल वगैरह ग्रेनाइट आता है वहाँ जम्मू की पंजाब की तरफ भी, तो यहाँ पे यही चीज़ ज़्यादा निकलती है, इसी चीज़ से मकान बनते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं। बाकी तो मेरे को लग रहा तगड़ी मजबूती होती है इसकी, क्योंकि इसमें तो बीम की ज़रूरत भी नहीं है, इतने मजबूत पत्थर हैं। ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा, लोग तो आ रहे हैं यहाँ पे, रास्ता चलता है, बाइक वगैरह जाती हैं। भाई कल से तो मैंने कोई देखी नहीं यहाँ पे पैसेंजर गाड़ी आने जाने का, जिसके बाद आई थिंक अपनी होगी तो वही तो यहाँ से जा सकता है। यही पेड़ है। अब भाई अगर यहाँ पे कोई है यहाँ का तो उनको तो पता होगा भाई ये पेड़ किस चीज़ के, तो मुझे भी बता देना भाई, क्योंकि अलग ही किस्म के मैंने वहाँ पे हमारे होते नहीं ना, थोड़े थोड़े कांटे भी हैं इस पेड़ में। दही ले आया दो डब्बे छोटे छोटे वाले, बस जाएँ। संजीव भाई भी काफ़ी बोर हैं, भूख लग रही है मुझे इतनी लगी नहीं वैसे भूख, पता नहीं क्या चक्कर हो गया, सुबह थोड़ा पेट भी ख़राब था, अब सब फिट है, टैबलेट ली है तभी शायद भूख नहीं लग रही है। थोड़ा सा खाएंगे फिर, तो भाई रात को ही है सीधा ही। बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, बहुत ज़्यादा, पूरी जगह तप रही है, तप तप के ना। गाड़ी अपनी होगी अनलोड, तो भाई इतना कचरा था, मैं अभी जब से झाड़ू लगा रहा हूँ अभी संजीव भाई को बोलूँगा वो फ़ोन पकड़ाएं, तो मैं दिखाता हूँ। ये कांच वगैरह पड़ा है तो गत्ते वगैरह पड़े हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्या चीज़ लोड है क्योंकि हम बताते नहीं है, बाकी तो आप समझदार आप समझ ही जाओगे। तो भाई अभी दिखाएंगे इन्हें गत्ते छंड दो त्रै दूर रेह गत्ते खानी यार हेलो इन्हें कोई ऐसा स्वाद पे ना इन्हें की बीर रहना पता नहीं मसा यार मैं तो पूरी करना जाऊंगा देखो कांच इतना ध्यान से करना पड़ता है हाथ से लग भी सकता है अच्छा ना पता नहीं पैर बचाए रखना चंगी तरह मारा ना जे हाथ भाई ये झाड़ू लगा के ना पूरा फिर करते हैं आपसे बात चलो भाई ठीक है यार पहले करने पड़ेगा ठीक है फिर लगा दी भाई पार्किंग में संजीव भाई और कर रहे हैं थे दूसरे उस्ताद डाला बंद जो रात को हमारे साथ थे जिन्होंने पिछले अपने ब्लॉग देखो हमने इकट्ठे खाना खाया था उनकी गाड़ी वो लास्ट वाली है तो मैं तो पानी भर रहा था ये बॉटल भर भर के कैंपर भर रहा था क्योंकि यहाँ पे हम अंदर कैंपर भरना अलाउड नहीं है तो मैं बॉटल भर भर के कैंपर भरा और बस लास्ट बॉटल भर के दे हूँ तो आगे सब्जी लेने जा रहे हैं वो जा रहे हैं संजीव भाई और दूसरे उस्ताद जी ओह यार मेरी चप्पल ही रहेगी गाड़ी अपनी वो नीला शर्ट दिखाई दे रहा उसके पीछे सामने मार्केट आ गई है प्लानिंग कोई नहीं है क्या लेना है मेरे को खुद नहीं पता भाई जो लाएंगे हमने बनाना खाना बढ़िया सा करके चावल तो सुबह खाए थे पीले वाले वो तो बचे हुए हैं थोड़े अब देखते हैं क्या ब्रदर सोनू भाई और जो भी संजीव भाई लाएंगे हम तो वो बनाएंगे सब्जी सब्जी दूसरे उस्ताद में शायद चिकन भी ला सकते हैं कुछ भी है सरप्राइज मेरे को खुद नहीं पता लाते हैं भाई खाना वगैरह बनाते हैं फिर बना के तो खा के तो भाई सो जाएंगे अभी देखो सूरज कितना सही लग रहा है सूरज डूब रहा है कितना सही लग रहा है यार यहाँ पे मैं इधर मुड़ा हूँ सूरज इधर डूब रहा है हमारे वहाँ पे ना सूरज उस साइड डूबता है पता नहीं यार अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कैसे है वो तो फ़ोन पे देखना पड़ेगा नई नई जगह कुछ समझ नहीं आती यहाँ पे क्वार्टर्स हैं कुछ यार शायद आर्मी वालों की फैमिली है या कुछ कोई समझ नहीं है यार काफ़ी फैमिली रुकी हैं ये दुकानें हैं दो चार जो भी यहाँ पे हैं वो आ गया वाटर टैंक ये मेन रोड आ गई भाई इधर जाओ तो लोखंडवाला बॉर्डर मूवी वाला सीन इधर जो तो बाड़ में और यहाँ से हम जम्मू जा सकते हैं क्योंकि जैसलमेर बीकानेर क्रॉस करके हम जाएंगे सीधा जाएंगे किसी दिन अभी तो पहले अहमदाबाद जाएं फिर घर पहुँचे भाई मुझे पता था चिकन ही शायद लेंगे तो चिकन ले लिया उस्ताद जी ने तो अब हमने चावल और सरसों का तेल चिकन मीट मसाला और साथ में छोटी सी फीस ले ली अब जा रहे हैं गाड़ी पर आराम से उस्ताद जी की गाड़ी में चिकन बना देंगे मैं तब तक अपने पतीले में चावल बना दूंगा जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा तो खा पी के भाई सो जाएंगे
वहाँ से सामान लेके आगे मैंने चढ़ा दिया अब चावल। तो वो भाई पहले अपनी गाड़ी वहाँ लगी थी, वहाँ से मैं गाड़ी रिवर्स करके यहाँ ले आया, यहाँ पर मैं चावल चढ़ा रहा हूँ। तो भाई वो चिकन की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तेल कम है, तो अभी हमने तेल लेके आपको दिखाया, तेल देंगे उनको, वो लगाएँ चिकन को तड़का, अपने तरफ हो जाएंगे चावल रेडी, तो फिर खाएंगे आराम से खाना। तो भाई खाना वगैरह तो अपना हो ही गया यार, तो वहाँ पे बनाया, उनकी गाड़ी पे बैठे हुए थे, पूरा आराम से इंजॉय किया। उन्होंने चिकन बनाया अलग ही स्टाइल का, हम डालते हैं मतलब टमाटर डालते हैं, उन्होंने टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला, तो नए तरीके। तब मेरे को कहते तू बना ले, मैंने बोला हम तो बना दे, आप मतलब वो जो भाई हैं वो अरुणाचल प्रदेश के हैं ना, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप बनाओ, नए स्टाइल में बनेगा, नया सीखने को मिलेगा। तो भाई बहुत ही बढ़िया बना था। तो संजीव भाई अभी वहाँ पे ही आ रहे हैं उनका, उस गाड़ी से दिखाता हूँ मैं आपको, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं संजीव भाई और दूसरे भाई, दो खाना खा रहे हैं। मैं ना तो मैं खाना वगैरह खा के आ गया अपनी गाड़ी पे, तो मैंने सोचा जल्दी ब्लॉग को एंड कर लेता हूँ। तो आई होप आपको ये वाला ब्लॉग सही लगा होगा, क्योंकि यार ऑलमोस्ट मैंने आपको बता ही दिया गाड़ी पे लोड क्या होता है, आप तो समझ ही होगे, क्योंकि डायरेक्ट मैं नाम ले नहीं सकता, गवर्नमेंट का माल है, मालिक भी बोलेगा कि तूने नाम ले लिया, ये है वो है, कुछ भी बोल सकता है। जब कह जाऊँगा तो पूरा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी संजीव भाई की आपको ब्लॉग मिल जाएगा पूरा, क्योंकि उन्होंने पूरा बता दिया, मतलब वीडियो शूट कर रहे थे, दिन को पता नहीं अब अभी बताएंगे या बाद में बताएंगे। तो बैल्स से तो हमको लोड करनी है गाड़ी, हम यहाँ से क्यों तब भी निकले, यहाँ पे हमारी गाड़ी सेफ है, सिक्योरिटी गार्ड है, यहाँ पे गाड़ी सेफ है, यहाँ पे गाड़ी को चोरी चरे हुए डर है, आपको पता आजकल डीजल बहुत महंगा और डीजल बहुत ज़्यादा चोरी हो रहा है। तो कल निकलेंगे यहाँ से अगर लोड मिलता, तो लोड नहीं मिलेगा यहीं, यहाँ पे गाड़ी है यहीं पार्क रखेंगे आराम से, यहाँ पे खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ लोड मिल जाए ठीक है, आप भी बोर नहीं होगे, मैं भी नहीं होगा, यहाँ से हम पहुँचेंगे अहमदाबाद, वहाँ लोड करेंगे, वहाँ से लोड लेके कोटपुतली, तो वहाँ से सीधा घर। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। तो पिछले ब्लॉग के लिए सॉरी यार, मैंने ज़्यादा मीन्स ऐड कर ली थी तो आपको वो पसंद नहीं आई, तो इस ब्लॉग में भाई हम मीन्स ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिंपल वाला एक ब्लॉग बनाएंगे। तो भाई देखो आप, तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे ना, सब्सक्राइब कर लेना, और पास से मैंने बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, तब भी आपको कॉल करके दबा लियो भरा जी। चक्कर है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਮੈਨੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਵਰ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਫਟ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟ ਕਰਦੇ, ਲਿਫਟ ਆਪਣੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਪੇ।